हेलो गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर वेल। सो फ्रेंड्स, जो क्लास है हैव हैज प्लस थर्ड फॉर्म समाप्त। मैंने ये क्यों लिखा है कि हैव और हैज प्लस थर्ड फॉर्म का मतलब होता है समाप्त। कोई हैव और हैज को कहता है चुका चुकी, नो चुका चुकी। कोई कहता हैव और हैज प्लस थर्ड फॉर्म का मतलब होता है टेंस, नो टेंस। तो नो चुका चुकी, नो टेंस। बात करेंगे सेंस की। किसकी बात करेंगे? सेंस। तो देखो माय डियर, आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, बहुत मजेदार पढ़ाने जा रहा हूं कि किस तरह से आप अपने आप को बिल्डअप कर सकते हैं, किस तरह से आप एक स्पीकिंग बोल सकते हैं। तो आज मैं आपको सिखा रहा हूं हैव और हैज प्लस थर्ड फॉर्म का मतलब होता है कोई काम फिनिश हो चुका है। कि अगर आप, तो देखो मैंने पानी पीने का काम कर लिया है, आई हैव टेकन वाटर, यानी मैं पानी पी चुका हूं। तो जब भी आपको ध्यान रखना है हैव और हैज प्लस थर्ड फॉर्म आ जाए, यानी हैव और हैज के साथ अगर थर्ड फॉर्म आ जाए तो समझ लो कोई काम समाप्त, मींस फिनिश हो चुका है। तो अगर आपको इंग्लिश में बताना हो कि मैंने ये काम कर लिया है, यानी आपको अपनी लाइफ में कोई भी काम अगर आपने फिनिश कर लिया है, डन कर लिया है, तो उसको आप इंग्लिश बोलेंगे आई हैव टेकन वाटर, मैं पानी पी चुका हूं। यानी कि हैव के बाद, हैव के बाद आप कोई भी वर्ब लगा सकते हैं, हैव के बाद कोई भी आप एक्शन, ठीक है फ्रेंड्स। आप जो हैव है मीन्स हैव के बाद या तो कोई क्रिया लगाएंगे, वर्ब मीन्स क्रिया या कोई एक्शन, बट आपको घबराना नहीं है, जो भी वर्ब होगा वो 90% ईडी से बनेगा। यानी कि जो थर्ड फॉर्म होती है वो 90% किससे बनती है? ईडी से बनती है। किससे बनती है? ईडी से, राइट। तो मैंने आई हैव वॉच्ड द मूवी, यानी मैं फिल्म देख चुका हूं। मान के चलो आप पीवीआर में बैठे हुए हैं और मूवी देख रहे हैं, थोड़ी देर बाद मूवी खत्म हो जाती है और आपका दोस्त बोलता है कि आपने मूवी देख ली, तो आप हिंदी में, वो हिंदी में बोलता है, आप इंग्लिश में बोल सकते हो आई हैव वॉच्ड द मूवी, यानी मैं मूवी देख चुका हूं। आई हैव टेकन वाटर, मैं पानी पी चुका हूं। तो आप आई हैव करके वो इंग्लिश बोल सकते हैं जो आपने कोई काम खत्म कर लिया है। जैसे मैं 12वीं पास कर चुका हूं, I have passed 12th class. मैं नहा चुका हूं, I have taken bath. मैं जग चुका हूं, I have got up. क्या बोलेंगे? I have got up. क्योंकि 90% आप ईडी लगाएंगे, 10% यानी कि 10% फॉर्म ऐसी होती है जिनमें ईडी नहीं लगता, जैसा टेक का टेकन, वॉच का वॉच्ड, राइट। तो कैसे बोलेंगे? मैं क्रिकेट खेल चुका हूं, I have played cricket. कैसे बोलेंगे? मैं मैसेज कर चुका हूं, I have sent a message. कैसे बोलेंगे? मैं पैसे कमा चुका हूं, I have earned money. कैसे बोलेंगे? मैं घर को पेंट कर चुका हूं, I have painted my house. इसके बाद आप नेगेटिव सेंटेंस हो सकते हैं, आई हैव नॉट, यानी कि जब आप यस करेंगे तो हैव के बाद ही आप नॉट लगा देंगे। जैसे मैं नहीं आ चुका हूं, आई हैव नॉट कम। मैं नहीं जा चुका हूं, आई हैव नॉट गॉन। मैं खाना नहीं खा चुका हूं, आई हैव नॉट टेकन फूड। इस तरह से आपने यस किया, नो किया। इसके बाद आप क्वेश्चन कर सकते हैं, क्वेश्चन करने के लिए हैव पहले आ जाएगा, मीन्स हैव यू, यानी कि मैं आपके सामने कौन हूँ, यू। हमेशा याद रखना, जब भी आपके सामने कोई भी तस्वीर आती है, कोई भी इंसान आता है या आपको शीशे में कोई भी दिखे, वो हमेशा आपके लिए यू होता है। तो आप सामने वाले से जब भी क्वेश्चन पूछेंगे यानी प्रश्न करेंगे, तो हैव पहले आएगा, हैव यू टेकन टी, यानी आप सामने वाले से कन्फर्म करना चाहते हैं कि आपने चाय पी है, हैव यू टेकन टी, क्या तुम चाय पी चुके हो। तो आप मुझसे कैसे कन्फर्म करोगे? क्या तुमने खाना खाया? हैव यू टेकन फूड। कैसे कन्फर्म करोगे? हैव यू टेकन फूड। आप कैसे कंफर्म करोगे? क्या तुमने एमबीए की? हैव यू डन एन एमबीए। क्या बोलोगे? हैव यू डन एन एमबीए। आप कैसे कंफर्म करोगे? क्या तुमने तेरे नाम मूवी देखी? हैव यू वॉच्ड तेरे नाम मूवी। हैव यू वॉच्ड तेरे नाम मूवी। अगर आप क्वेश्चन करेंगे हैव यू, आंसर देंगे आई हैव, मना करोगे तो आई हैव नॉट। तो आज से आपको पता लग गया कि अगर हैव के साथ, अगर आप हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो समझ लो कोई काम पूरी तरह से फिनिश हो चुका है। थर्ड पर्सन, किसके लिए बात करेंगे? थर्ड पर्सन। अगर मैंने कोई काम नहीं किया, तुमने कोई काम नहीं किया, जैसे मैंने चाय नहीं पी, तुमने चाय नहीं पी, सपोज मैंने खाना नहीं खाया, तुमने नहीं खाया, तो ऐसा तो नहीं किसी ने, किसी ने तो खाना खाया होगा, वो होता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन के लिए हम हैज भी लगा सकते हैं और
हैव भी लगा सकते हैं, यानी थर्ड पर्सन के लिए हम हैज और हैव दोनों लगा सकते हैं। तो अगर आपको बोलना हो कि सर मैंने खाना नहीं खाया, उसने खाना खाया, तो बोल सकते हैं आप ही हैज टेकन फूड, यानी वह खाना खा चुका है या उसने खाना खा लिया है। हिंदी में आप दो तरह से बोल सकते हैं, इंग्लिश एक ही है, ठीक है। यानी आपको सेंस ले लेना है कि जो थर्ड पर्सन है उसने खाना खाने का जो काम है, उसने क्या कर लिया है, समाप्त कर लिया, यानी फिनिश कर लिया है। अगर वहीं आपको ज्यादा के लिए बोलना है तो दे हैव टेकन फूड, यानी कि वे खाना खा चुके हैं। He has taken food, वह खाना खा चुका है। They have taken food, वे खाना खा चुके हैं। यानी कि जब भी has और have के साथ क्या आ रही है, थर्ड फॉर्म, क्या आ रही है, थर्ड फॉर्म, तो समझ लो कोई काम फिनिश हो चुका है। तो जब भी आपको बताना हो कि मेरे पापा ऑफिस जा चुके हैं तो बोलोगे माई फादर हैज गॉन टू ऑफिस, यानी कि ही की जगह क्या लगाएंगे, माई फादर हैज गॉन टू ऑफिस। कैसे बोलेंगे, मेरा दोस्त आ चुका है, माई फ्रेंड हैज कम, मेरे दोस्त आ चुके हैं, बहुत सारे दोस्त हैं, तो माई फ्रेंड्स हैव कम। कैसे बोलेंगे इंडिया जीत चुका है, इंडिया हैज वॉन। कैसे बोलेंगे, इंडिया हैज वॉन। कैसे बोलेंगे, मोदी जी चाइना जा चुके हैं, मोदी जी हैज गॉन टू चाइना, मोदी जी हैज गॉन टू चाइना। कैसे बोलेंगे, मेरे पापा दवाई ले चुके हैं, माई फादर हैज टेकन मेडिसिन, माई फादर हैज टेकन मेडिसिन। कैसे बोलेंगे, सलमान खान शादी कर चुका है, सलमान खान हैज गॉट मैरिड या सलमान खान हैज मैरिड, राइट। कैसे बोलेंगे, मेरे भाई ने खाना बना लिया है, माई ब्रदर हैज कुक्ड फूड। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना हैज और हैव, यानी थर्ड पर्सन के लिए आप हैज और हैव लगा सकते हैं। यानी ही सिंगुलर एक बचन, दे प्लूरल बहुवचन, यानी थर्ड पर्सन के लिए हैज भी आ सकता है और हैव भी, डिपेंड करता है सिंगुलर या प्लूरल। इसके बाद अगर आप नेगेटिव सेंटेंस बोलना है तो आप नॉट लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं यहां पर, नॉट, NOT, यहां पर भी नॉट। तो ही हैज नॉट टेकन फूड, यानी वह खाना नहीं खा चुका है, दे हैव नॉट टेकन फूड, वे खाना नहीं खा चुके हैं। तो कुछ नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, हैव और हैज के बाद क्या लगा देंगे, नॉट। जैसे मेरे फादर नहीं आ चुके हैं, माई फादर हैज नॉट कम, मेरे दोस्त नहीं आ चुके हैं, माई फ्रेंड्स हैव नॉट कम। इसके बाद हम बात करेंगे फोर क्वेश्चन, यानी जब तक आप मुझसे किसी थर्ड पर्सन के लिए क्वेश्चन नहीं करेंगे, किसी तीसरे व्यक्ति के लिए, तो थर्ड पर्सन आंसर नहीं देगा। जैसे आपने मुझसे पूछा हैज ही गॉन टू ऑफिस, यानी मुझसे आपने किसी ही के लिए पूछा है, यानी कि जिसका आप नाम नहीं जान सकते, जानते नहीं है, राइट। तो हैज ही गॉन टू ऑफिस, यानी क्या वह ऑफिस जा चुका है। अगर ज्यादा के लिए पूछेंगे तो हैव दे गॉन टू ऑफिस, क्या वे ऑफिस जा चुके हैं। तो अगर आप मुझसे किसी थर्ड पर्सन के लिए पूछेंगे, किसी एक के लिए, सिंगल के लिए, तो हैज, अगर ज्यादा के लिए पूछेंगे तो हैव, अगर आप मुझसे बातें करेंगे तो हैव यू, यानी अगर आप सामने वाले से बात करेंगे तो हैव यू, और सामने वाले से किसी तीसरे के लिए पूछेंगे तो आप हैज भी लगा सकते हैं और हैव भी लगा सकते हैं। पर आपको ध्यान रखना हैव और हैज के साथ क्या आती है, थर्ड फॉर्म। तो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या कोई इंग्लिश की बुक पढ़ रहे हैं, कोई आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, वहां पे आपको हैव और हैज के साथ अगर थर्ड फॉर्म दिख जाए तो समझ लो कोई काम फिनिश हो चुका है। अगर आपसे कोई पूछ रहा हैव यू टेकन, हैव यू गॉन, हैव यू प्लेड, तो समझ जाओ सामने वाला ये जानना चाहता है कि तुमने ये काम किया है नहीं। अगर आपका दिल कर रहा है बताने का कि मैंने ये काम कर लिया है, तो आई हैव डन, मैं कर चुका हूँ, मैं जा चुका हूँ, आई हैव गॉन, मैं खा चुका हूँ, आई हैव ईटन, आई हैव टेकन। यानी घुमा फिरा के बात करें तो हैव और हैज प्लस थर्ड फॉर्म का मतलब है कोई काम फिनिश हो चुका है। ही शी नेम इट के साथ हैज आता है, आई यू दे वी के साथ हैव आता है। चाहता हूँ आप उनको राइट भी कर सकते हैं, ही शी नेम इट के साथ हैज, आई यू दे वी के साथ हैव आता है। तो अगर सिंपल सी बात करें तो अगर आप मुझसे बात करेंगे तो हैव यू, और मुझसे किसी थर्ड पर्सन के लिए बात करेंगे तो आप हैज भी लगा सकते हैं और हैव भी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, हैज और हैव। तो थोड़ी चलो बात करते हैं, तो पूछो मुझसे क्या तुम आ चुके हो, हैव यू कम, पूछो मुझसे क्या तुम आ चुके हो, हैव यू कम, आंसर दो मैं आ चुका हूं, आई हैव कम। नेगेटिव, मना करो मैं नहीं आ चुका हूं, आई हैव नॉट कम, राइट। पूछो मेरे फादर के बारे में, क्या तुम्हारे पापा आ चुके हैं, हैज योर फादर कम, क्या बोलोगे, हैज योर फादर कम, क्योंकि आप मुझसे मेरे पापा के लिए पूछ रहे हैं। अब मेरे पापा का आंसर मैं नहीं दूंगा, मेरे पापा आ चुके हैं, माय फादर हैज कम, मेरे पापा नहीं आ चुके, माय फादर हैज नॉट कम। तो यानी कि आपको आज समझ में आ गया कि हैव और हैज प्लस थर्ड फॉर्म का मतलब नहीं होता चुका चुकी, नहीं होता टेंस। यानी हैव और हैज का मतलब होता है जब कोई काम फिनिश हो जाता है पूरी तरह से, बट हैव और हैज के साथ क्या लगनी चाहिए, थर्ड फॉर्म। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हुई, आपने एंजॉय किया होगा, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड बाय एंड टेक केयर।